Hello everyone, welcome back to UGC plugin. तो आप लोगों का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग ग्रामर पोर्शन में हमने अभी तक काफ़ी सारी ऐसी चीजें कर ली हैं जो आपकी प्रैक्टिस को और अच्छी बनाएंगी लेकिन आज का जो टॉपिक है एरर स्पॉटिंग ये बहुत ज्यादा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आपको एरर स्पॉटिंग किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक में से आ सकती है यानी कि आपको एरर स्पॉट करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो वो टेंस में भी हो सकता है वो वॉइस का भी हो सकता है वो क्लॉज का भी हो सकता है किसी भी चीज का हो सकता है प्रपोजिशन का भी हो सकता है राइट तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट शी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी अब इसमें आपको ये फोर पार्ट दिए हुए हैं यानी कि फर्स्ट पार्ट में ए में प्रॉब्लम है या बी में है एरर या सी में है या डी में है डी में इतनी तो नो एरर है कोई एरर नहीं भी हो सकता है समटाइम्स राइट सो यहाँ पे आपका जो एरर uh, है दैट इज इन Avoid speak to me. So, uh, avoids to speak to. ठीक है यहाँ पे एरर है अब यहाँ पे क्या एरर है हम टू स्पीक टू नहीं यूज करते हैं हम क्या कहते हैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं अवॉइड विद मी ठीक है अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट शी अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी ओके स्पीकिंग विद मी सॉरी तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं यानी कि इसके अंदर स्पॉट्स ऐसे आ सकते हैं नेक्स्ट वन next one is there is review renewed sense of urgency in completing the project there is renewed sense of urgency in completing the project completing the project is perfectly fine um, there is renewed sense of urgency in this is this is no error कोई एरर नहीं है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस ठीक है तो आपके पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एरर ना हो सो so, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच बॉय वॉज गिवन ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड देम अब इसमें या तो नो एरर है या तो इसमें कोई एरर है so each boy every boy each boy was given yes each boy is perfectly fine a, a toy as a parting gift which made them happy bilkul okay, is no error nahi hai fine next question one of the state in which there was a severe drought last year in maharashtra one of the

अमंग द टू brothers, ये मैंने ऐसा वाला आपको एक पहले भी करवाया था कि अगर हम अमंग यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो टू नहीं होनी चाहिए टू से ज्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पे बिटवीन आएगा डिवाइडेड बिटवीन टू द टू ब्रदर्स ठीक है जी तो इस पार्ट में जो है वो एरर है नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी वेन आई एम लेट आई ट्राई टू बी ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन ऑन टाइम बट डोंट वरी वेन आई एम लेट तो इसमें आपको अगर आप ये पढ़ रहे हो डोंट वरी डोंट वरी इफ आई एम लेट ठीक है वेन की जगह क्या आएगा इफ आएगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एरर स्पॉटिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टेंस ही गलत आ सकता है जैसे लास्ट मैंने टेंसेस के आपको कुछ करवाए थे क्वेश्चंस तो आपको कोई भी कोई वर्ड भी जैसे अगर कोई कंजंक्शन यूज किया है यहाँ पे वेन की जगह इफ आ रहा है कनेक्शन के लिए है ना टू कनेक्ट दैट तो वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी ग्रामेटिकल जो है सेंटेंस के अंदर जितने भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस यूज करते हैं उनमें से किसी में भी एरर यहाँ पे स्पॉट हो सकता है ठीक है नेक्स्ट वन दैट समर इलेक्शन वेर हेल्ड एट मैनी अ प्लेस मैनी अ प्लेस ये गलत है मेनी अ प्लेस विदाउट एनी अन इंसिडेंट अब यहाँ पे वैसे ही पता चल रहा है कि द इलेक्शन दैट समर इलेक्शन यहाँ पे आना चाहिए मैनी प्लेसेस मैनी अ प्लेस तो नहीं होता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन One should respect religious belief of others as, as much as his own. One should respect religious beliefs of others. Owns. Owns, owns होता, own होता as his own. Okay. here, own oh sorry, owns own Next माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी then, इज then, नॉट a एन then आएगा ठीक है जब हम comparison करते हैं तब हम टी एच ए एन लगाते हैं और जब हम जो है ये बोलते हैं कि फिर है ना तो तब हम टी एच ई लगाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन the salesman tried to sell me a solar water heater but i already have one i already have one no error error nahi this sentence is without any error so d i will answer no error okay next one in delhi he suddenly came across many of his friends who had settled there suddenly suddenly come across in delhi he suddenly come across many of his friends who had settled there okay यहां पे suddenly भी नहीं आएगा In Delhi, he come across. जब हम हम कर रहे हैं मतलब come across means हम मिल गए अचानक से है ना सो वो अपने आप ही उस सेंटेंस में सडनली का देअ शुड बी नो यूज तो आप सीधा इस तरीके से डाल सकते हैं कम अक्रॉस मेनी ऑफिस फ्रेंड्स कम hmm. क्रॉस का खुद से ही मीनिंग एक तरह से यही होता है ठीक है जी नेक्स्ट वन इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर टेकन केयर ऑफ ठीक है टेकन केयर के बाद क्या आएगा यहाँ पे ऑफ यहाँ पे तब बनेगा ये सही तो यहाँ पे सी पार्ट में गलती है

अगर आप काइंडली लगा रहे हो तो आप रिक्वेस्टेड नहीं लगाओगे ठीक है अगर आपने मतलब दोनों ही चीजें इकट्ठी नहीं हम लगाएंगे ऑल द बोर्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपियर ठीक है काइंडली रिमूव कर सकते हैं तो यहाँ पे इस पार्ट में प्रॉब्लम है यानी एरर है नेक्स्ट वन पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल सपोर्ट टू द टेरिस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे भी जब आप यूनिवर्सली वर्ड यूज कर रहे हैं दिस इज करेक्ट यूनिवर्सली कमेंडेड बाय ऑल बाय ऑल कट कर सकते हैं हम हमें यहाँ पे क्या करना है बाय ऑल जो है वो कट करना है क्योंकि हम आपने यूनिवर्सली वर्ड यूज कर दिया तो बाय ऑल करने की जरूरत नहीं है सीधा अगर आप इतना सेंटेंस पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंटेम फाइन तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन within an hours journey we will approach near agra within an hours journey इस सेंटेंस में भी आप नियर जो है उसे रिमूव कर देंगे यानी कि यहाँ पे सी पार्ट में जो है वो यहाँ पे इशू है यानी अगर आप सीधा ये सेंटेंस पढ़ते हो कि विदिन एन आवर्स जर्नी वी विल आगरा ठीक है हम ऑलमोस्ट आगरा तक पहुंच जाएंगे तो हम जब अप्रोच वर्ड यूज कर रहे हैं कि तो हम आगरा को अप्रोच कर लेंगे तो इसका मतलब हम नियर पहुंच जाएंगे ठीक है सो यू हैव टू यूज अ मोमेंट डिले वुड अ मोमेंट डिले मोमेंट्स डिले आएगा यहाँ पे एपोस्टी एस रहेगा ओके okay, सो so यहाँ पे प्रॉब्लम है अमेंट्स डिले एक क्षण की भी दूरी देरी नेक्स्ट वन सीन्स फ्रॉम द फिल्म है इट वॉज रिलीज सीन्स फ्रॉम द मूवी ड नहीं आएगा यहाँ पे सेंसर्ड आएगा सेंसर्ड ठीक है सेंसर सेंसर बोर्ड के थ्रू होके जाती है मूवी सो फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक इमोरल सीन्स और इल जो ऑफेंसिव सीन्स है उसके लिए है ना uh, तो यहाँ पे सेंसर्ड की जगह सेंसर्ड की जगह सेंसर्ड आएगा मिसेस प्रताप

Haan. We have to ensure that members fulfill the requirements. Hai? Next question. No sooner did the teacher enter the class when the students stood up. When the students. No. Sentence nahi se. No sooner. No sooner. Ha. Here then. टी एच ए एन देन ठीक है नो सोना डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूडअप तो इस तरीके से यहाँ पे सी पार्ट में गलत है तो बच्चे इस तरीके से आपको एरर्स फाइंड आउट करने आ सकते हैं एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं तो आपको काफ़ी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि अगर हमें सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स डाल दिए जैसे नियर एंड अप्रोच डाल दिया था ठीक है या फिर कोई और ऐसा वर्ड जो काइंडली एंड रिक्वेस्टेड साथ में नहीं आ सकता या फिर आप कोई वेन की जगह इफ़ यूज कर रहे हैं ठीक है या फिर कोई अदर चीज जो भी आप जैसे मैंने कहा कोई मोडाइल कैसा यूज कर रहे हैं ऑग्जिलरीज या फिर आप प्रपोजिशंस कैसे यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और समटाइम्स होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं भी होता है सो आई होप काफी चीजें क्लियर हुई होंगी इन कुछ क्वेश्चन के थ्रू क्योंकि आपको आने के ये चांसेस हैं ग्रामर के अंदर सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो